तो भाई फाइनली बिग बिलियन डे की डेट्स आ गई हैं। 29 सितंबर को प्राइम यूजर्स के लिए और 30 सितंबर को रेगुलर यूजर्स के लिए बिग बिलियन डे लाइव होने वाला है। अगर आप लोग 20 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास टैबलेट को लेके अच्छी डील्स देख रहे हो तो आज भाई 6-7 टैबलेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ टैबलेट्स आपको ऐसे ही बताऊंगा जो आपको नहीं लेने हैं, वो भी आपको दिखेंगे सेल के टाइम पर, लेकिन कोशिश करना उनसे दूर रहना। सबसे पहले बात करते हैं भाई लेनोवो का एक टैबलेट है M11 करके, उसमें आपको पेन सपोर्ट देखने मिल जाएगा, काफी सारी अच्छी चीजें देखने मिलेंगी। अंडर द प्राइस टैग ऑफ 20,000 पेन साथ में मिल रहा है भाई, आपको एंड्रॉइड के अपडेट्स भी बढ़िया देखने मिलेंगे। लेकिन भाई उस टैबलेट में एक मेन दिक्कत यह है कि वहां पर मीडियाटेक का G88 का चिपसेट यूज करा गया जो कि काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गया है 2024 के मुकाबले। तो वो कहीं ना कहीं मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई इस टैबलेट से थोड़ा सा दूर रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगला टैबलेट भाई बात करते हैं जिसके बारे में, वो है रियलमी की तरफ से रियलमी पैड 2। अब वैसे तो आपको नॉर्मली भी ये टैबलेट 20,000 रुपए के नीचे ही मिल जाएगा, लेकिन भाई अगर आपको इसमें 8GB वाला वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ चाहिए तो वो वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको 20,000 रुपए के नीचे मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पर भाई यहां पर आपको कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं, जैसे डिस्प्ले यहां पर अच्छा है तो कंटेंट देखने में ज्यादा मजा आएगा, 4G टैबलेट मिल जाएगा तो आप सिम वगैरह डाल के यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, स्टोरेज भाई एक्सपेंडेबल है, बैटरी बैकअप बढ़िया है। एक चीज की जो यहां पर आपको दिक्कत लगेगी भाई कि यहां पर प्रोसेसर जो है वो थोड़ा बेटर दे देते तो ज्यादा मजा रहता, बाकी प्राइस के हिसाब से टैबलेट कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट मूवीज वगैरह ज्यादा देखनी है तो उस सब काम के लिए ये टैबलेट सही रहेगा। पेन का सपोर्ट भाई यहाँ पर नहीं है, अगर वो दे देते तो और ज्यादा बढ़िया बन जाता ये टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं OnePlus की तरफ से OnePlus Pad Go। ये टैबलेट भाई अगर आप 4G वाली सर्विस के साथ टैबलेट देख रहे हो तो भाई ये टैबलेट आपको 120K आराम से मिल जाएगा सेल में। डिस्प्ले यहाँ पर भी शार्प है तो कॉन्टेंट देखने में मजा आएगा, बैटरी बैकअप बढ़िया है OnePlus है तो फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर परेशानी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट बराबर सी है, प्रोसेसर ओके है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। पाम रिजेक्शन का अगर आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पर पाम रिजेक्शन का सपोर्ट नहीं है, लेकिन भाई थर्ड पार्टी स्टाइलस के साथ आप इस पे काम कर सकते हो। अगले टैब जो भाई इस लिस्ट में है उसके बारे में बात करते हैं, वो है ऑनर की तरफ से ऑनर पैड 9। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का यहाँ पर चिपसेट देखने मिलता है। नॉर्मली भाई इसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 24 से 25 हज़ार चलती है, लेकिन लोएस्ट भाई जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको तो 21,000 तक की प्राइसिंग पे गया है और आने वाली सेल में अंडर 20,000 डेफिनेटली जाना चाहिए ये वाला टैबलेट। और अच्छी बात यह है कि भाई जो इसको वैल्यू फॉर मनी टैबलेट बना देती है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कवर और कीबोर्ड का जो एक्सेसरी है वो टैबलेट के साथ में मिल जाएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा पैकेज डील बन जाती है ये वाला टैबलेट, तो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। डिस्प्ले यहाँ पर भी बढ़िया, बैटरी सही है, स्टाइलस का सपोर्ट, पाम रिजेक्शन नहीं है लेकिन स्टाइलस आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कवर दे देंगे साथ में तो आप टाइपिंग वगैरह जो है वो कीबोर्ड की तरह टाइप कर सकते हो काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर। इस लिस्ट में अगले टैबलेट की बात करते हैं भाई, तो वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस। ओवरऑल एक काफी अच्छा ऑलराउंड टैबलेट है, 5G टैबलेट आपको मिल जाएगा अंडर 20,000 आने वाली सेल में। प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन का 695 है तो अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट में एक टैबलेट के अंदर। रेजोल्यूशन यहाँ पर अच्छी है, बैटरी लाइफ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टैबलेट को मैंने अपने चैनल पर काफी ज्यादा डिटेल में भी कवर किया है, तो अगर आपको वो चेकआउट करना है वीडियो तो वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पाम रिजेक्शन का सपोर्ट यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन भाई आप कोई भी थर्ड पार्टी स्टाइलस यूज करके लिख सकते हो, बट उतना ज्यादा आपको अच्छा फील नहीं आएगा जितना पाम रिजेक्शन वाले टैबलेट्स में होता है। आगे मैं बताने वाला हूँ कुछ टैबलेट जिनमें पाम रिजेक्शन भी सपोर्ट होगा अंडर 20,000, तो बने रहना आगे के पार्ट में भी। लेकिन भाई अगर आपको सैमसंग का ही कोई टैबलेट चाहिए जिसमें पाम रिजेक्शन भी हो और उसका प्राइसिंग अंडर 20,000 रहने वाला हो तो सैमसंग का टैब S6 Lite है जो आप कंसिडर कर सकते हो। उसको मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा पुराना टैबलेट हो गया, लेकिन भाई अंडर 20K एक लौता सैमसंग का टैबलेट जो आज की डेट में आप खरीद सकते हो, जिसमें आपको पेन भी साथ में मिलेगा, पाम रिजेक्शन भी देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है कि भाई उसमें रैम जो है कम रहेगी, स्टोरेज का ऑप्शन थोड़ा कम मिलेगा आपको इस प्राइस पॉइंट पर, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको पाम रिजेक्शन वाले फीचर के साथ एक सैमसंग का ही टैबलेट लेना है तो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट में अगले टैब के बारे में, और वो टैब मेरे हिसाब से जो अंडर 20,000 आपको देखने मिल जाएगा, परफॉर्मेंस उसमें बहुत बढ़िया है, वो है Xiaomi की तरफ से Mi Pad 6। अब इसकी गारंटी नहीं है लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है मुझे कि ये फोन की प्राइसिंग अंडर 20,000 जाने वाली है, क्योंकि अब ये टैबलेट का ना टाइम थोड़ा थोड़ा करके खत्म होना स्टार्ट हो गया है। Xiaomi ने भी अपने नए 2 टैबलेट निकाल दिए हैं जिनके बारे में बात करूंगा आगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टैबलेट की प्राइसिंग इस सेल के टाइम पर अंडर 20,000 जाएगी। और Snapdragon 870 का प्रोसेसर यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी डील मिल जाएगा अंडर 20,000
20,000 Xiaomi VPad 6 में काफी ज्यादा टेस्ट किया गया है और इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई। बैटरी भी बढ़िया, कैमरा भी डिसेंट है, पाम रिजेक्शन का फीचर भी मिल जाता है। पेन यहाँ पर अगर आपको साथ में इसी बंडल में मिल जाए तो मजा ज्यादा आएगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पेन आपको अंडर 20K वाली प्राइसिंग में नहीं देखने मिलेगा, तो वो उसका कॉस्ट ऊपर थोड़ा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट टैबलेट भाई जो आपको अंडर 20,000 देखने मिल जाएगा वो है मेरे हिसाब से एप्पल का iPad 9th जनरेशन। नॉर्मली भाई ये टैबलेट 27-28,000 के आसपास रहता है, लेकिन मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ तो लोएस्ट इसकी प्राइसिंग गई है अराउंड 21,000। तो बिग बिलियन डे सेल पर भाई डेफिनेटली अंडर 20K जाएगा ये वाला टैबलेट भी। और ये सारे जो प्राइस ड्रॉप होते हैं वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताता रहता हूँ आप सबको, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर लेना और फिर आपको सारे कम्युनिटी पोस्ट मेरे मिलने लग जाएंगे। डिस्प्ले आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है एप्पल के आईपैड में। बैटरी यहाँ पर भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस के लिए A13 का बायोडिक चिपसेट देखने मिल जाएगा जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा 20,000 के प्राइस पॉइंट पर। भाई मेन दिक्कत जो इस टैबलेट में ही रहेगी कि एक तो भाई आपको यहाँ पर स्टोरेज ज्यादा नहीं मिलेगा, दूसरा ये कि अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने रहते हैं तो यहाँ पर आपको एप्पल की जो पेंसिल है वो अलग से खरीदनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा महंगा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नेक्स्ट भाई जो टैबलेट है इस लिस्ट में वो है मेरे हिसाब से लेनोवो का M10 5G वाला एक आता है टैबलेट, सभी का लिंक भाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डालूंगा, वहां से आगे चेक कर लेना। प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट देखने मिल जाता है, जो कि रेगुलर डे टू डे के काम के लिए आपको बढ़िया रहने वाला है। 90Hz की LCD डिस्प्ले है, पाम रिजेक्शन का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। 5G टैबलेट है भाई, तो आपकी कॉलिंग की भी जो भी नीड्स है वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। अंडर 20,000 ये वाला टैबलेट आपको काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है मेरे हिसाब से। पेन अगर आपको साथ में मिल जाता इस प्राइस पॉइंट पे तो ज्यादा मजा आएगा, पेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। भाई अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से काफी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, लाइक भी करते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो मेरे को सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं इस लिस्ट में लास्ट टैबलेट की जो मैं निकाल के लाया हूं कि भाई जिसकी प्राइसिंग 120,000 आने वाली है, तो वो है भाई पोको की तरफ से पोको पैड 5G वाला टैबलेट। ये टैबलेट हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, 22-23,000 रुपए के आसपास इसकी रफली प्राइसिंग रहती है नॉर्मली, और एक्सपेक्टेड है कि बिग बिलियन डे सेल के आसपास ये 20 के नीचे जाएगा। पाम रिजेक्शन का सपोर्ट है, साथ में भाई पोको का पेन और पोको का जो कीबोर्ड वाला कवर है वो भी सेपरेटली मिल जाता है, तो वो आप खरीद सकते हो। वो इस बंडल में अंडर 20K में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन है कि भाई आप जाके खरीद सकते हो। प्रोसेसर यहाँ पर भाई स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 का चिपसेट यहाँ देखने मिलेगा, जिसका मतलब है कि भाई परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी खासी देखने मिलेगी आपको, अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत कैजुअल गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब पोको पैड के साथ साथ ही इसी की सिमिलर स्पेक्स के साथ वाला एक दूसरा टैबलेट भी है जो चलता रहता है, वो है Redmi Pad Pro। वो टैबलेट भी भाई ऑलमोस्ट मोटा मोटी सिमिलर स्पेक्स है, प्राइस हल्का फुल्का गैप रहता है, तो मैं दोनों का प्राइस नीचे लिंक कर दूंगा, जो सस्ता मिल रहा हो वो वाला टैबलेट ले लेना अपने हिसाब से। तो ये थे भाई सभी टैबलेट्स की जो डील्स आने वाली है अंडर 20,000 बिग बिलियन डे के टाइम पर। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो भाई चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर भाई आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।